राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने तीखा पलटवार किया है। गहलोत ने हाल ही में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद दाधीच ने उन्हें अपने बयान पर संयम बरतने की सलाह दी। मैं आपके माध्यम से अशोक गहलोत जी को कहना चाहूंगा कि पहले तो अपने इस ज्ञान का वर्धन वो कांग्रेस पार्टी में कराए। कांग्रेस पार्टी की CWC मीटिंग में ये कहा जाता है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, बना दिया जाना चाहिए, और वो उसको इग्नोर कर देते हैं। आप अपनी पार्टी में तो कुछ करा नहीं पा रहे, दूसरी पार्टियों में क्या हो रहा है उसके लिए जबरदस्ती अपना ज्ञान बांट रहे हैं। इतनी सारी चिंताएँ आपको क्यों है सर? आपको जनता ने एक बार हरिद्वार का निर्णय कर लिया, वहाँ जाइए, राजस्थान की जनता से पश्चाताप करिए, उनसे माफ़ी मांगिए, उसके बाद कुछ बोलिए। उससे पहले बोलने का अधिकार आपका खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और 34 साल बाद किसी पार्टी ने तीसरे टर्म में 240 सीट ला कर के और प्रचंड बहुमत के साथ पूरे केंद्र की सरकार बनी है। अब मुझे लगता है अब आप लोगों की हालत खिंचानी बिल्ली खंभा नोचने जैसी है, तो खंभा नोचते रहिए, टांग ऊपर करके कुत्तों की तरह भोंकते रहिए, कोई उसका कोई विषय बनता नहीं।